सो हेलो स्टूडेंट दिस इज़ भारती तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एम जी एग्ज़ामिनेशन 2023 का जो पूरा एग्जाम पैटर्न है वो किस तरह से है किस तरह से एग्ज़ाम में पेपर आएगा और इसमें हमें किस तरह से अपनी तैयारी को जारी रखना है ठीक है तो अब जो है इसमें लास्ट ईयर की तरह कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है इस बार पूरा हंड्रेड पेपर आएगा तो हंड्रेड की तैयारी हमें करनी पड़ेगी यानी जितनी भी यूनिट्स हैं उन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से काम करेंगे ना तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा ठीक है अब इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है जो ई के पेपर की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन है थ्री आवर्स का यानी तीन घंटे का आपका पेपर होगा पेपर फर्स्ट की बात करें या पेपर सेकंड की बात करें मैक्सिमम मार्क्स हंड्रेड हंड्रेड ईच है यानी टू हंड्रेड में से आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स जो चाहिए वो सेवेंटी टू मार्क्स चाहिए अब बात करते हैं एग्जाम पे, सॉरी पेपर के पैटर्न की जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है वो किस तरह से आएगा जो हमारा पेपर है वो थ्री सेक्शंस में आएगा ए बी सी जो ए सेक्शन है उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आंसर उनके आंसर देने हैं और इसमें जो है टेन क्वेश्चन आएंगे टू क्वेश्चन एच यूनिट यानी कि दो क्वेश्चन जो है पूरी पांचों यूनिट्स में से हर यूनिट में से दो दो क्वेश्चन आएंगे तो हर यूनिट्स की तैयारी करनी है सेक्शन ए के लिए टू मार्क्स का या, 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 जो हर क्वेश्चन है वो टू मार्क्स का रहेगा फिफ्टी वर्ड्स इसकी लिमिट है तो आप इसकी तैयारी कैसे करें इसकी तैयारी करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जितना भी आपका सिलेबस है ना उसमें जितने भी चैप्टर के जो नाम है ना उन नाम के डेफिनेशंस को आपको अच्छे से करना है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेती हूँ एक इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है ये आपको बताना चाहिए अगर बात करें हम चैप्टर का नाम है डिमांड तो डिमांड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए ऐसे चैप्टर्स के जितने भी नाम है ना उन सब की डेफिनेशन देख लो तो ये सेक्शन ए आपका बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो सेक्शन बी की बात करते हैं तो इसमें आएंगे आपके सेवन क्वेश्चन जिसमें से आपको फाइव क्वेश्चन करने पड़ेंगे अब इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके फाइव यूनिट्स के यानी हर यूनिट uh, में से एक एक क्वेश्चन समझ लो इसका आठ मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा टू हंड्रेड वर्ड्स इसकी लिमिट होगी तो इस तरह से सेक्शन बी को अटेंड करना है सेक्शन सी जो है उसमें चार क्वेश्चन होंगे लेकिन आपको सिर्फ करने दो ही क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स का ईच होगा यानी कि हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा 500 हंड्रेड वर्ड्स इसकी लिमिट होगी सेक्शन बी और सेक्शन सी की तैयारी कैसे करें तो सेक्शन बी और सी की तैयारी के लिए आपको सारी यूनिट्स तो तैयार करनी है लेकिन आप थोड़ा से स्मार्ट तरीके तरीके से काम कर सकते हो कि जो आपके लास्ट थ्री या फोर ईयर्स के प्रीवियस पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस करो और उसमें ये देखो कि कौन सी यूनिट्स जो हैं किस तरह से इस साल आई है अगले साल नहीं आई मतलब थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से इसमें काम किया जा सकता है तो उससे आप थोड़ा सा अच्छे से पेपर को अटेंड कर सकते हो और अच्छे से उन यूनिट पे काम कर सकते हो जो यूनिट्स का चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है अब आपके पेपर की बात करें तो एम ने टाइम टेबल भी अपलोड कर दिया है बीकॉम फर्स्ट ईयर जो, जो है उसका पेपर फर्स्ट ट्वेंटी फोर अप्रैल को है पेपर सेकेंड ट्वेंटी सेवन अप्रैल को है बिकॉम सेकेंड ईयर की बात करें तो पेपर फर्स्ट है ट्वेंटी अप्रैल को और सेकेंड है ट्वेंटी फाइव अप्रैल को बीकॉम फाइनल ईयर की बात करें तो फर्स्ट पेपर फर्स्ट जो है फिफ्टीन मे को है और पेपर सेकेंड एटीन मे को है तो इसी आशा के साथ कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें और कभी भी ये मत सोचिए कि लास्ट में एक दिन पढ़ के पास हो जाएंगे जब आपको पास होना ही है तो अच्छे से मेहनत करके पास होइए ना ठीक है तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट और अगर कुछ भी आपको आ, किसी टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए थैंक यू सो मच